Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Hello friends, मैं उदित इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो स्कीमा की. वीडियो बेसिकली हम जब भी वीडियो स्कीमा लगाते हैं तो आप जैसे इमेज में देख रहे हो कि जो आपके पेज में वीडियोज हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हो बाहर, तो उसके लिए भी एक सेपरेट स्कीमा आता है. ठीक है, वैसे आप जैसे वीडियो वैसे इमेज स्कीमाज भी होते हैं. तो वीडियो के अंदर हम वीडियो को डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा सा, जैसे वीडियो का जो भी टाइटल है वो नाम में आएगा, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन में आएगा, अपलोड डेट आ सकती है वो हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं या जब यूट्यूब पे हमने अपलोड किया था तब भी डाल सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या है मिनट्स में सेकंड्स में. ठीक है, उसका थंबनेल का यूआरएल दे सकते हैं, जिस पेज पे आप डाल रहे हो उसका यूआरएल दोगे, एम्बेडेड यूआरएल जो यूट्यूब का वो डालेंगे यहाँ पे, और पब्लिशर जो है उसका नाम आएगा, मे बी शायद अपनी साइट का नाम आप दोबारा दे सकते हो. तो प्लगइन और स्कीमा बिल्डर के थ्रू ये काम हो सकता है. तो पहले प्लगइन देखेंगे हम. तो प्लगइन के अंदर हम आते हैं वीडियो पे. ठीक है, अगर इस पेज पे कोई वीडियो आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो तो टाइटल डिस्क्रिप्शन थंबनेल, ठीक है, वीडियो यहाँ अपलोड कर सकते हो. अपलोड नहीं करना तो फिर एम्बेड कर सकते हो, इसका जो आई फ्रेम टू आई फ्रेम कोड होता है वो आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, एम्बेड कोड, उसके बाद ड्यूरेशन और डेट आ जाएगी. तो ये सब चीज़ें हो गई. लेकिन अगर हम ये बिल्डर से करें तो यहाँ पे भी वीडियो है, नेम डिस्क्रिप्शन अपलोड डेट मिनट सेकंड्स थंबनेल कंटेंट एम्बेड जो मैंने पीपीटी में लिखा है वो सब बेसिकली यहीं से लिखा हुआ है. तो कोड जनरेट हो जाएगा. इसको कहाँ डालना है, वीडियो तो हर पेज पे कॉमन नहीं होते, अलग अलग ही डालोगे, तो उस पेज पे जाके डालना है पर्टिकुलर. तो उस पेज पे जाके डालना है तो यहाँ पे डालोगे तो ग्लोबली डलेगा, ठीक है ना. लेकिन जब आप पेज पे जाके इस वाले सेक्शन में डालोगे तो पर्टिकुलर उस पेज पर डलेगा. तो दिस वे आप अपना डाल सकते हो. और अगर मैं बात कर रहा हूँ वीडियोस की तो वो तो स्टैटिक में भी हो सकती है, डायनामिक में भी हो सकती है. तो अगर स्टैटिक में भी करना है तो आप बॉडी फिनिश होने से पहले इसका जो कोड है वो डाल दो, और मेक श्योर वीडियो जो है वो पेज पे एम्बेड भी होनी चाहिए. पता चले कि वीडियो तो एम्बेड ही नहीं है पेज पे और आपने स्कीमा लगा दिया, तो चीज़ें वही हाईलाइट करो जो पेज में अवेलेबल हो, जो बाहर तो देख के आपने उसको ले आए अंदर लेकिन अंदर है नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो दिस वे आप वीडियोस पे भी स्कीमा लगा सकते हो, उसको भी बाहर हाईलाइट कर सकते हो. ठीक है, इतना ही है इस वीडियो के अंदर. कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.